यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में करीब 35 प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो रही है। ब्राजील में सत्ता परिवर्तन बना हिंसक प्रदर्शन की वजह, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका की तर्ज पर ब्राजील में हिंसक प्रदर्शन। जायर बोल्सोनारो चुनाव में मिली हार नहीं पचा पा रहे। ब्राजील में जायर बोल्सोनारो के समर्थन कर रहे हिंसक प्रदर्शन। राष्ट्रपति चुनाव में लूला डा सिल्वा की जीत से भड़के समर्थक। बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। ब्राजील में सत्ता परिवर्तन बना हिंसक प्रदर्शन की वजह। अमेरिका की तर्ज पर ब्राजील में हिंसक प्रदर्शन। जायर बोल्सोनारो चुनाव में मिली हार नहीं पचा पा रहे। ब्राजील में जायर बोल्सोनारो के समर्थन कर रहे हिंसक प्रदर्शन। रायबरेली में विशालकाय अजगर मिला। विशालकाय अजगर के मिलने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को कब्जे में ले लिया है। भदोकर थाना क्षेत्र के कोरचंदा मऊ के पास का मामला। रायबरेली में विशालकाय अजगर मिला। विशालकाय अजगर के मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। गाम्बिया सरकार का यू टर्न, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 70 बच्चों की मौत के बाद गाम्बिया सरकार ने लिए यू टर्न। भारतीय कंपनी के कफ सिरप से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई ऐसे भी बच्चों की हुई मौत जिन्हें कोई भी दवा नहीं दी गई। 5 अक्टूबर को WHO ने बैन की थी भारतीय कंपनी की कफ सिरप। गाम्बिया सरकार का यू टर्न, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 70 बच्चों की मौत के बाद गाम्बिया सरकार ने यू टर्न लिया। भारतीय कंपनी के कफ सिरप से मौत की पुष्टि नहीं हुई। कई ऐसे भी बच्चे की मौत हुई जिन्हें कोई भी दवा नहीं दी गई। 5 अक्टूबर को पीबीएमएस पोर्टल को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला लखनऊ से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायती राज निदेशालय अलीगंज में कार्यशाला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। पीबीएमएस पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 12:15 पर अलीगंज में कार्यक्रम होगा। पीबीएमएस पोर्टल को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला लखनऊ से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायती राज निदेशालय अलीगंज में कार्यशाला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। पीबीएमएस पोर्टल को लॉन्च करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 12:15 पर अलीगंज में कार्यक्रम होगा।
विद्युत विभाग की लापरवाही से गोवंश की मौत हुई है। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुले में रखे ट्रांसफार्मर में गोवंश चिपका। पहले भी खुले में रखे ट्रांसफार्मर से हादसा हुआ, स्थानीय लोगों में विभाग के प्रति रोष देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विद्युत विभाग की लापरवाही से गौवंश की मौत हो गई है। सदर कोतवाली के नारायणपुर तिराहे का मामला बताया जा रहा है। सदर कोतवाली के नारायणपुर तिराहे का मामला विद्युत विभाग की लापरवाही से गौवंश की मौत हो गई है। औरैया से बड़ी खबर, खुले में रखे ट्रांसफार्मर में गौवंश चिपका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि हमसे जुड़ेंगे। ऋषि, विद्युत विभाग की लापरवाही से गौवंश की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे। सदर कोतवाली औरैया का पूरा मामला है और जहां विद्युत विभाग की लापरवाही को देखने को मिल रही है और कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं औरैया में, जो विद्युत विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और जो खुले में ट्रांसफार्मर है इनकी बैरिकेटिंग भी नहीं करा रहा है। जी धन्यवाद ऋषि हमसे जुड़ने के लिए। अज्ञात पिकअप की टक्कर से टांगा चालक की दर्दनाक मौत हुई है। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को भर्ती कराया। डॉक्टरों ने टांगा चालक को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हजरतगंज थाना क्षेत्र के ग्राम उल्हाता नगला पर अज्ञात पिकअप की टक्कर से टांगा चालक की दर्दनाक मौत हुई। बदायूं से बड़ी खबर बता रहे हैं, हादसे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने टांगा चालक को मृत घोषित कर दिया। लखनऊ के लेवाना अग्निकांड का मामला बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लेवाना कांड पर हाई कोर्ट का बयान सामने आया है। सभी जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करे हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई चल रही है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। चीफ फायर ऑफिसर को नहीं मिली कोर्ट से राहत, कोर्ट ने निलंबन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। उच्च स्तरीय समिति बनाने का आदेश दिया, मुख्य सचिव को समिति बनाने का आदेश दिया। के लेवाना अग्निकांड का मामला, लेवाना कांड पर हाई कोर्ट का बयान सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लेवाना कांड में सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है, सभी जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये जो जानकारी हमें मिल रही है, ये हाई कोर्ट की तरफ से हमें सभी जिम्मेदार पर ये सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी हाई सुनवाई जो है लखनऊ पीठ में चल रही थी। चीफ फायर ऑफिसर को अभी इससे कोई कोर्ट से राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने निलंबन के खिलाफ जो दायर याचिका थी उसको खारिज कर दी है। उच्च स्तरीय पर समिति बनाने का भी आदेश दे दिया गया है। मुख्य सचिव को समिति बनाने का भी आदेश दिया गया है। जिस तरह से लेवाना हत्याकांड ये अग्निकांड हुआ था उस पर ये कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने ये सख्त निर्देश जारी किए। धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ में इंदौर की तर्ज पर शुरू होगा कूड़ा प्रबंधन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोमती नगर विस्तार में शुरू होगा कूड़ा प्रबंधन। नगर निगम इंदौर की तर्ज पर कूड़ा प्रबंधन शुरू करेगा। गोमती नगर विस्तार से की जाएगी शुरुआत।
गीला और सूखा कचरा अलग अलग लिया जाएगा। इको ग्रीन की बजाय नगर निगम खुद करेगा काम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। गीले कूड़े से बनाई जाएगी कंपोस्ट खाद, सूखे कूड़े को बेचने का काम नगर निगम करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ में इंदौर की तर्ज पर कूड़ा प्रबंधन शुरू होगा। जी मयूरी, आपको बता दें कि लखनऊ में जो इंदौर के तर्ज पे जो कूड़ा प्रबंधन का कार्य योजना बनाई जा रही है, ये पूर्ण रूप से गोमती नगर विस्तार में इस योजना का जो है ये विस्तार किया जाता है। इसमें बताया गया है कि लगभग 50 टन कचरा निकलता है और उसको गीला कूड़ा अलग किया जाएगा, सूखा कूड़ा अलग किया जाएगा, सूखे कूड़े को बेचने की कवायद तेज की जाएगी। और उससे और जो मैंने आपको कहा कि जो इंदौर में जिस तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था है, पूरे इंडिया में नंबर 1 पे इंदौर को माना जाता है कि वहां पे साफ सफाई को देख करके हमारे यहाँ के जो नगर आयुक्त है उन्होंने भी इस चीज को देखा है कि किस तरीके से यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। तो इंदौर से उन्होंने कुछ सीख लेकर के उस तर्ज पर यहाँ पे कूड़ा प्रबंधन जो कार्य शुरू करने जा रहे हैं वो गोमती नगर विस्तार में शुरू होगा इसका कूड़ा प्रबंधन का कार्य। और इस तर्ज पे ये सारे काम होंगे। जिस प्रकार से लखनऊ में कूड़ा का ढेर बढ़ता जा रहा है, जगह जगह अंबार हो रहे हैं, टीले लगते जा रहे हैं, बीमारियां फैले हैं, उसको देखते हुए जो नगर आयुक्त है इंद्रजीत सिंह ने इन्होंने इस कार्य को योजना को बनाने के लिए तैयारी की है। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। मेट्रो स्टेशनों का भी होगा टैक्स असेसमेंट, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने दिए निर्देश। मेट्रो के सभी स्टेशनों का टैक्स असेसमेंट करने के निर्देश दिए गए हैं। जोन 1, 2, 3, 5 और 7 में बने हैं मेट्रो स्टेशन। सभी जोनल अफसरों को टैक्स असेसमेंट करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने मेट्रो को 15 करोड़ का नोटिस भेजा है। प्रचार होर्डिंगो से हो रही कमाई पर नोटिस भेजा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश अब जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ मेट्रो स्टेशनों पर भी अब टैक्स असेसमेंट होगा। जी मयूरी, ये समझने की बात होगी कि मेट्रो स्टेशन जब से बना था लगभग 5 साल हो गया, तो 5 साल तक इनको टैक्स फ्री रखा गया था। जो भी इनके पुल के नीचे जितने भी प्रचार प्रसार की सामग्रियां लगती थी उस पर जो टैक्स आता था वो डायरेक्ट मेट्रो के पास जाता था। अब उन्होंने कहा है कि मेट्रो का ये कहना है नगर निगम से कि आप यहाँ पे लाइटें लगवाएं, क्योंकि उन्होंने क्लैंप लगवा दिए हैं। अब क्लैंप लगवाने के बाद लाइट लगवाने का काम नगर निगम का है। जब इन्होंने नगर निगम से इस बात को कहा तो नगर आयुक्त ने उन्हें नोटिस थमा दिया 15 करोड़ रुपए का कि पहले आप टैक्स जमा करिए और इसका असेसमेंट करवाइए, टैक्स असेसमेंट, उसके बाद हम यहाँ पर लाइट लगवाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये समझने की बात होगी कि ये जो नगर निगम सीमा है इसके अंतर्गत जो जोन 1, 2, 3, 5 तथा 7 में जो मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं वहां पर अपकर अधीक्षक से ये कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है कि यहाँ पर टैक्स असेसमेंट की तैयारी की जाएगी। सबसे बड़ी समझने वाली बात इसमें ये होगी कि मेट्रो के एलिवेटेड रूट के नीचे जो स्ट्रीट लाइटें रात में नहीं जलती है उसके लिए मेट्रो ने नगर निगम से शिकायत की थी कि यहाँ पे लाइटें लगवा दे क्योंकि हमने क्लैंप यहाँ पे लगवा दिया है। तो इस पर ये नगर निगम ने ये दलील दी थी कि जब तक आप अपना भुगतान नहीं करेंगे, आप अपना पैसा नहीं जमा करेंगे, तब तक हम लाइटें नहीं लगवाएंगे, क्योंकि मेट्रो प्रचार और होल्डिंग से गाढ़ी कमाई कर रहा था। जो पुल के नीचे देखते होंगे कि पुल के नीचे बहुत सारी प्रचार सामग्रियां लगी रहती है, स्ट्रीट लाइटें लगी, वो बोर्ड लगे हुए होते हैं, उस पर से बहुत पैसे आ रहे थे, जिसके लिए नगर निगम अपनी एक निगाह डाल लिया है कि अब यहाँ से भी कुछ पैसे निकल सकते हैं, जिस पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने लगभग 15 करोड़ रुपए का नोटिस जो है इसको मेट्रो को थमा दिया है। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ में युवक का शव मिला है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। काकोरी क्षेत्र के रहमान खेड़ा स्थित धर्मघाट का मामला बताया जा रहा है।
राजधानी लखनऊ में युवक का शव मिला है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काकोरी क्षेत्र के रहमान खेड़ा स्थिति धर्म काटा का मामला बताया जा रहा है। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल में आग लगी। सूचना पाकर मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रिंस मार्केट में आग लगी है। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगे हुए हैं दमकल कर्मी। हजरतगंज थाना क्षेत्र के साहू सिनेमा के पीछे की घटना बताई जा रही है। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल में आग लगी है। सूचना पाकर मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगे हुए हैं दमकल कर्मी, बड़ी खबर आपको लखनऊ के हजरतगंज से बता रहे हैं, जहां हजरतगंज थाना क्षेत्र के साहू सिनेमा के पीछे की घटना बताई जा रही है। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल में आग लगी है। सूचना पाकर मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगे हुए हैं दमकल कर्मी। हजरतगंज थाना क्षेत्र के साहू सिनेमा के पीछे की घटना बताई जा रही है। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल में आग लगी है। सूचना पाकर मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगे हुए हैं दमकल कर्मी, लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के साहू सिनेमा के पीछे की घटना बताई जा रही है। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है। बता दें प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल पर आग लगी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगे हुए हैं दमकल कर्मी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ के हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है। आपको बता दें कि हजरतगंज के रिहायशी इलाके में एक प्रिंस मार्केट है, जहां आग लगने की बात कही जा रही है। आपको बताएं कि प्रिंस मार्केट में अगर देखें तो भारी मात्रा में कपड़ों और तमाम चीजों की दुकानें हैं, साथ ही साथ कई ऑफिसेज और कोचिंग संचालित होते हैं। और बताया ये जा रहा है कि प्रिंस मार्केट के चौथी मंजिल पर आग लगी है, और साथ ही उसमें कुछ कोचिंग पढ़ रहे बच्चे भी हैं, जो कोचिंग पढ़ने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, इनकी फंसने की सूचना भी आ रही है। तत्काल में अगर बात करें तो तमाम जो पुलिस की वाहिनियां, यानी की बात की जाए तो दमकल विभाग है, अग्निशमन विभाग है, वो पूरी तरह से राहत एवं बचाव कार्यों में लगा हुआ है। और आपको बताएं कि अभी आग की खबर आई थी, तब तक क्योंकि समीप में ही अग्निशमन विभाग का चौकी है, वहां से जो फायर फाइटर है वो मौके में पहुंचकर और आग को काबू में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मिली जानकारी के अनुसार अब तक आग पे लगभग काबू पा लिया गया है, मगर जो चौथे मंजिल पे संचालित हो रहे कोचिंग है, उस कोचिंग में कुछ बच्चों की फंसे होने की आशंका है। अभी अगर बात की जाए तो चौथे मंजिल पूरा धुआं से भरा हुआ है, और जल्द ही स्मोक बिल करके फायर फाइटर बच्चों को भी बाहर निकालेंगे। जी विवांशु, आग कैसे लगी, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी, आपको मैं भी आपको बता दें कि अभी अगर बात करें
तो जो दमकल की टीमें हैं वो लगातार आग को बुझाने का काम कर रही हैं। आग बुझाने के बाद आग लगने के कारण का पता लगाया जाएगा और ये तब स्पष्ट होगा कि आग लगने की वजह क्या है। मगर कहीं ना कहीं आम दिनों आपने देखा कि लिवाना स्वीट्स हो या ही वो राजधानी लखनऊ में ऐसे गए, अगर देखें तो तमाम जगहों पर गर्मियों के सीजनों में आग लगे तो लगभग हर एक जगहों पर शॉर्ट सर्किट वजह निकल के आई थी। मगर इस बार देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस तारों के जंजाल में जो तमाम कॉम्प्लेक्स मॉल चल रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए मयूरी तो आग की घटनाएं शॉर्ट सर्किट से हो रही है। तो कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग को अपनी आंखों को खोलकर बिना एनओसी से चल रहे कॉम्प्लेक्सों को और बिना फायर सेफ्टी के चल रहे कॉम्प्लेक्सों को कार्रवाई करते हुए एक कड़ा रुख अपनाना होगा, क्योंकि आए दिन अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों में और तमाम प्रतिष्ठानों में आग लगने की खबरें आती रही है और अब लखनऊ के रिहायशी इलाकों में से एक विंस मार्केट में आग लगी है जो कि कहीं ना कहीं पूरे हजरतगंज के मध्य का जगह है। जी विवांशु, जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ कोचिंग भी चल रही थी और जिस तरह से आग लगी है, क्या वहाँ पर किसी के हताहत होने की खबर है? जी आपको बता दें कि अभी मिली जानकारी के अनुसार वहाँ कुछ बच्चे फंसे हुए हैं चौथी मंजिल पे जो कोचिंग संचालित हो रही थी और फायर फाइटर मॉक ड्रिल करके और अंदर जगह बना रहे हैं और ये बस एक अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पुष्टि नहीं है क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो आस पड़ोस के लोग थे वो गायब हो गए हैं और आग लगने के बाद, और कई ऐसे ऑफिस थे जो अभी खुले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात ये होगी कि राहत बचाव का कार्य तेजी से जारी है, तो आखिर क्या उस पे बच्चे फंसे हैं या नहीं है, ये कुछ ही समय के अंदर जब फायर फाइटर की टीम अभी मॉक ड्रिल की गई है तो फायर फाइटर की टीम अंदर जाएगी तब ये कहना साफ होगा। अगर बात की जाए मयूरी तो फायर फाइटर टीम अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेके गई है कि जिन जगहों पे आग लगे हैं वहाँ वो ऑक्सीजन की सिलेंडरों को लेकर अब मास्क लगा कर अंदर जाके रेस्क्यू कर सके। साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखे तो इसमें अगर देखे तो फायर फाइटर और अग्निशमन विभाग बहुत तेजी के साथ राहत एवं बचाव कार्य किया है, क्योंकि आग लगने की बाद तुरंत बाद मिनटों के अंदर दमकल की गाड़ियां और फायर फाइटर मौके में पहुंच गए और माना ये जा रहा है कि अभी इसमें कोई हादसे की खबर नहीं है, किसी को हाथाहाथ की खबर नहीं आई है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में करीब 35 प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में होंगे शामिल। बैठक में करीब 35 प्रस्तावों को लेकर चर्चा। यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल। बैठक में करीब 35 प्रस्तावों को लेकर चर्चा। यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई।
कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल। की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, लखनऊ से आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विभांशु का। विभांशु, लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। जी मयूरी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक चल रही है। ये बैठक 11 बजे से शुरू हुई है और माना ये जा रहा है कि 35 से लगभग 35 अहम प्रस्ताव आज पारित हो सकते हैं और निकाय चुनाव के तिथियों के ऐलान से पहले ये देखा जाए तो आखिरी बैठक होगी कैबिनेट की, जिसमें प्रदेश ने जो तमाम उत्तर प्रदेश सरकार में सत्ता वापिस हासिल करने के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो योगी सरकार है, वो जो तमाम जो मैनिफेस्टो में किए गए वादों हैं उन वादों को ज़मीन पे उतारने के लिए और साथ ही साथ जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश के जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसको पूरा करने के लिए अब कहीं ना कहीं देखें तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और बैठक में भी इसकी चर्चा होगी। अगर बात की जाए मयूरी, तो माध्यमिक और शिक्षा विभाग में एक ऐतिहासिक महानिदेशालय स्कूल बनाने की बात होगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आमनगढ़ बाल संरक्षण फाउंडेशन का गठन की बात भी कही जा रही है कि आज के बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। अगर बात करें 35 अहम प्रस्तावों की मयूरी, तो नगर विकास, औद्योगिक, साथ ही साथ उच्च शिक्षा, IT, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, जल संसाधन, PWD, ऊर्जा, अबकारी, चीनी उद्योग और साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और आप मयूरी, आपको बताना चाहेंगे कि पिछली कैबिनेट बैठक में कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर विकास विभाग की तरफ से अपने प्रोजेक्शन को सबमिट किया गया, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी। उसके बाद परसीमन जारी है और परसीमन लगभग माना जाए तो लगभग समाप्ति के तरफ है, तो नगर विकास विभाग की जो परसीमन है उस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ प्रदेश में नए कॉलेज खोले, चाहे बात की जाए तो बेसिक शिक्षा की, चाहे बात की जाए उच्च शिक्षा की, तो इन दोनों के प्रस्तावों में अब देखने वाली बात ये होगी कि जो उस विभाग के मंत्री हैं, तमाम अधिकारी हैं, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री से किस बात की सहमति ले जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद इन 35 अहम प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को पारित किया जाता है और किस पर आगे कार्य करने की अनुमति दी जाती है। जी विवांशु, जैसा आपने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 35 अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, तो सबसे अहम प्रस्ताव क्या हो सकता है, किस पे मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल, आपको बताएं मयूरी कि देखा जाए तो साल के अंत और साल के नए साल के शुरुआत में निकाय चुनाव होने हैं लगभग, तो देखने वाली बात ये होगी कि नगर विकास विभाग की तरफ से पिछले भी जो कैबिनेट बैठक हुई थी बीते दिनों, उसमें भी नगर विकास विभाग की तरफ से तमाम चीज़ों को पेश किया गया था। बात की जाए तो नगरों के परसीमन और साथ ही साथ नगरों में विशेष व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने अपने तमाम प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था और मुख्यमंत्री ने उस पर मुहर लगाई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर विकास विभाग पे सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जल्दी चुनाव का ऐलान हो जाएगा और निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार
जो तमाम जनता है और तमाम जो वार्ड हैं उसको राहत देने का काम कर सकती है, कुछ अलग व्यवस्था कर सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो उच्च शिक्षा और आईटी के क्षेत्र में भी प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, तो उच्च शिक्षा में माना ये जा रहा है कि कई नए कॉलेज और जो कॉलेज चल रहे हैं उच्च शिक्षा यानी कि डिग्री कॉलेज, जो बड़े स्नातक कोर्स के कॉलेज होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन आते हैं, इन सब कॉलेजों में कुछ नई व्यवस्था लागू हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किन व्यवस्थाओं को लागू की जाती है। अगर बात की जाए तो चिकित्सा शिक्षा यानी कि प्रदेश में सरकार लगातार एम्स को लेकर दावे वादे किया करती है और कहा करती है कि देश में सबसे ज़्यादा एम्स वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी प्रदेश के अंदर में जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं साथ ही साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, वो लगातार ये कहते नजर आते हुए हैं कि प्रदेश के हर एक जिलों में एक एम्स बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सभी प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री कितने पर अपना सहमति जताते हैं, साथ ही साथ कैबिनेट के जो सभी सदस्य हैं वो सहमति जताते हैं। अब बैठक खत्म होने के बाद ये कहना साफ होगा कि किसको क्या और क्या किस प्रोजेक्शन को मुख्यमंत्री ने आज अपना मुहर लगाया। जी जी धन्यवाद हुआ तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो